Hey guys, how are you all? What's up? Welcome back to my channel explore.bindas. Thank you for stopping by here. तो आज हम जा रहे हैं कुछ जगह एक्सप्लोर करने. हालांकि मैं वहाँ पहले गई हूँ, बट आज मैं आपको वहाँ अपने साथ लेके जाऊँगी और जो भी स्पेशलिटी है वो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ. बट अभी वो कुछ दो ऑप्शंस हैं, दो में से एक मैं जाऊंगी. तो जब जाऊंगी और वहां पहुंचूंगी तो मैं आपको बताऊंगी. तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए. और आपको मेरा पोखरा वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करिए. और आप उसमें और क्या देखना चाहते हो. सो या यू कीप ऑन वॉचिंग. सो गाइस, वहां जाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी नहीं निकाली है. मैं जा रही हूँ रोडवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिसका नाम है माइक्रोबस. काठमांडू में माइक्रोबस हर जगह जाने के लिए, सब जगह नॉर्मली यही चलती हैं. और मैं जा रही हूँ लगन खेल की तरफ. लगन खेल से आगे जाने के लिए भी बहुत सारी बसेस अलग अलग जगह पे जाती हैं. और इसका किराया लगन खेल के लिए इन्होंने मेरे से 20 रुपया लिया है. और आई एम गोइंग विद माई फैमिली, मम्मी, भाई, फ्रेंड एंड बेटी. सो गाइज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बाद में मैं डिसाइड करूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो हमने डिसाइड किया कि हम लगन खेल से पाटन दरबार स्क्वायर जा रहे हैं, और जो कि वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर है. और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की वॉक है. बहुत ही क्राउडेड प्लेस है. एंड पाटन दरबार स्क्वायर इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ ललितपुर, नेपाल. So it is basically a heritage city with the Nevari architecture and so many temples, one of the golden temple. And basically these sites all are like UNESCO World Heritage sites, historical, antique. So yeah, we are going there. Whosoever is coming to Kathmandu as a tourist, as a visitor, you should come once here. This is the most visited place to have an experience, a good beautiful experience. And one more thing I have to tell you, because you know, the market near to this Patan Darbar Square is very cheap. Like, it's not expensive. You can find clothes, you can find any brass work, you can find any small like shoes and sleepers and blankets and sweaters and winter clothing. I mean, whatever the clothing, whatever the season is, they are having that kind of a clothing. But the only thing I wanted to tell you, that everything is very cheap than the other place in Kathmandu. So you should visit once here. There are so many temples in this area, and we are going specifically to near Krishna Mandir. Krishna Mandir is also known to be made from a big single stone, and you will see the Nevari architecture all over here. And it includes the royal palace too, and you can find the narrow street. मैं आई हूँ मंगल बाजार, कृष्णा मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है. बहुत ही हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, नेपाली आर्किटेक्चर है यहाँ पर.
और जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए टिकट लगता है, इंटरनेशनली जो लोग आते हैं उनके लिए टिकट लगता है, सार के लोगों का अलग है और लोकल्स के लिए टिकट नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार है, जो आपने भी क्लिपिंग भी देखी होगी, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है बहुत ही सस्ता है। आप यहाँ आके ऑलवेज यू कैन डू शॉपिंग फॉर कोरियन के कंबल, चाइनीज़ कंबल, चाइनीज़ चप्पल्स, जैकेट, स्वेटर्स और के मुकाबले यहाँ थोड़ा सस्ता है, मैं ये बोलूँगी। और ये इसका आर्किटेक्चर है, देखिए 360 व्यू। सो नीता आई है मेरे साथ, माय फ्रेंड। कृष्ण मंदिर आया सो मैं भी आज है ना, यहाँ पछाड़ी से कृष्ण मंदिर से यहाँ मेला लग सकता कृष्णाष्टमी के दिन में, और मेला से इतने घूमने को लगे हमी और आई रहा सो। उसका कहने का मतलब ये है कि हम सारे इकट्ठे आए हैं और अष्टमी के टाइम पे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और महीने में एक दो बार तो यहाँ कुछ ना कुछ पार्टीज होती रहती है। मीट माई डॉटर, ये है मेरा भाई जो हमेशा सड़ा रहता है। तो आपको कुछ कहना है? नाइस प्लेस, आई एम चिलिंग आउट, आई एम गुड पीपल, सो एंजॉय। शी इज माय मदर, हाय, एंजॉय एंजॉय। तो गाइस मैं एक जगह आई हूँ जो बिल्कुल मंगल बाज़ार में कृष्णा मंदिर के ठीक बिल्कुल पीछे है और उस जगह का नाम है एस लाफिंग। यहाँ पे लाफिंग मिलता है, वाई वाई शादी को लेमनेड, लस्सी, यूमरी, मिल्टी, यूमरी सब कुछ मिलता है, मैंने अभी मेन्यू में दिखाया है। ये जगह में मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे ये जगह एक बार आई थी, आज दूसरी बार आई हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने की वजह से यहाँ पर दोबारा आई हूँ। और इसके ठीक साथ में एक नेवारी किचन है और ये कृष्णा मंदिर के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे। और इसके आगे हनुंचा करके एक फेमस जगह है जहाँ 12 आलू और जो नेपाली खाना खा जाए बहुत ही फेमस है। तो आप जहाँ वहाँ जाएँ, यहाँ आएँ कृष्णा मंदिर, तो ये ज़रूर खाइएगा, ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि ये यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। सेव सब पे लाफिंग आप ही घर में बनाना होना चाहिए है ना। अभी ही इज़ राइट नाउ प्रिपेयरिंग द लाफिंग। ये इसको सॉस की बन चाहिए लाइक पीरो इसको लाफिंग को इंग्रेडिएंट्स और इसको जो बेस हो यो रोटी बेस से तबे को व्हीट फ्लोर को स्टार्च ले बन्छ व्हीट फ्लोर को स्टार्च ले हजुर यो आप ही घर में बनानी हो हजुर हजुर हाइजीनिक भी हुन्छ हैन घर को होममेड तबे को यो स्टीम पनि हो हैन हेल्थ लाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ धेरै महँगो भी छैन धेरै महँगो पनि छैन तबे को एउटा प्लेट ले जानलाई तको खाजा खाको डोज पुग्छ स्पाइसी त तपाईँहरूको त्यही स्वाद अनुसारै हाल्छौँ हामी बट लाफिङ अलि स्पाइसी भन्छ लाफिङ चाहिँ खास अब स्पाइसी नै खाने फुड तिमुर मेमो डालेर हजुर सिचुन पेपर। तो गाइस ये है आपका झोल वाला लाफिंग और चाओ चाओ वाला मिक्स, इसमें कुछ मिक्स का भी वो देते हैं वो पता नहीं मुझे कौन सा है बट ये बहुत टेस्टी है। और ये ड्राई वाला है, इसमें उन्होंने चाओ चाओ में मतलब चाओ चाओ मिलाई है, नमकीन मिलाई है जो हमारी भुजिया होती है, पीनट मिलाया है और ये व्हीट फ्लावर के स्टार्च से बनता है। इसके अंदर स्टफिंग है, इसके अंदर स्टफिंग है बट झोल नहीं है, बट इसमें स्टफिंग करके झोल किया हुआ है। सो वेरी टेस्ट। सो गाइज ये कृष्णा मंदिर का आगे का भाग है, ये कृष्णा मंदिर का पीछे का भाग है। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो लाफिंग सेंटर है ये लेफ्ट में, और यहाँ से आप यहाँ आओगे तो सामने आपको दिख जाएगा हनुंचा। ये ऊपर बोर्ड है और ये सीधा अंदर हम जाएंगे। सो हाय गाइस, दिस इज द ट्रेडिशनल नेपाली फूड। ये है प्लेन बारा जो कि मांस की दाल से बनता है, ये है अंडा बारा, ये भी है प्लेन बारा केरो, हम इंडिया में इसको मटरा भी बोलते हैं, और ये है आलू की सब्जी। सो गाइस दिस इज बटमास, ये वाइट कलर का है, इसमें ब्लैक कलर का भी होता है, ये वाइट वाला बहुत हेल्दी होता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं फॉर हाई प्रोटीन। और ये वाइट वाला जो भुना हुआ है नमक के अंदर, और ये है छांग जो यहाँ की लोकल रक्सी है मतलब शराब है तो ये सिर्फ चावल से बनती है और इसको घर में सारे लेडीज और सब लोग मिलके बनाते हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे और ये बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे ये लोकल चाय भी मिलती है अगर आपने लेनी हो कभी आना हो। और कितने की है ये भैया? एक कप
उसको दस रुपए का एक कप है। ब्लैक टी भी है और मिल्क टी भी है। हाँ नहीं ये ठीक है, ब्लैक टी भी है और मिल्क टी भी है। सो गाइज जब हम पाटन से वापस लामे मॉल की तरफ जा रहे थे, लामे मॉल इज ऑन पुल चौक, तो यहाँ से कुछ एक सवा किलोमीटर की दूरी पे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बीच में एक नया कॉम्प्लेक्स खुला है जहाँ मेरी फ्रेंड की एक शॉप है, और उस कॉम्प्लेक्स में उसका नाम है फैशनम, और उसके पास जितने भी कपड़े सिलवाने से रिलेटेड सूट सलवार साड़ी वन पीस सब कुछ सामान उसके पास है, और इमिटेशन ज्वेलरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इमिटेशन आई मीन एवरी काइंड ऑफ thing she has related to the fabric and the jewelry. If you really want to check out, you can go and check out always. So guys, this is it. Yahi tha mera ek random day, aur ab main signing off karti hu. Do not forget to like, share and subscribe, and if you enjoyed it, main abhi Lame Mall mein hu aur Tana ji movie ka show book kiya hai 6:45 ka, aur uske baad hum usse pehle main bawarchi ka roll kha rahi hu. So everybody say bye. और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब।